दिल्ली के एक स्कूल ने छात्राओं को बेसमेंट में बंधक बना लिया। अभिभावकों के आक्रोश के बाद सरकार एक्शन में आई। देखिए रिपोर्ट और समझिए पूरी खबर की गंभीरता। बल्ली मारन में राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल ने 59 बच्चियों को इसलिए 5 घंटे तक बेसमेंट में जमीन पर बिठा दिया। भीषण गर्मी में भोली भाली मासूम बच्चियां पसीने से तरबतर, भूख प्यास से बेचैन होकर बैठी रहीं। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि स्कूल प्रबंधन के मुताबिक इनका फीस जमा नहीं हुआ था। डॉक्टर तलाता जी ने वहाँ से हमने दवाई दिलाई है, तो कल जाऊंगी। पापा कल ऐसा तो नहीं होगा? मैंने नहीं बेटा, अब नहीं होने का। बताइए क्या जवाब था? दिल्ली सरकार ने इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जो भी आदमी दोषी पाए जाएंगे या एडमिनिस्ट्रेशन दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एजुकेशन की टीमें यहाँ पहुँच रही है। जी हाँ, तो मासूमों के साथ ज्यादती ने शासन प्रशासन को सख्ती में डाल दिया है और ये स्कूल सरकारी सहायता से चल रहे हैं। गौर करने वाली बात ये है कि स्कूल सरकारी संस्था से चल रहे हैं। नारेबाजी, शोरगोल और हंगामा, अभिभावकों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार यहाँ के स्कूलों में शिक्षा सुधार को अपनी उपलब्धि बताती रही है। ऐसे में विपक्ष ने मौका मिलते ही सीधा हमला बोला। सहयोगी मनीष सिसोदिया जी के राज में एक बच्ची को फी के लिए इस तरह का प्रताड़ना, इतनी निर्ममता, ये अपने आप में एक अरविंद केजरीवाल का एक और डबल स्टैंडर्ड है। शायद ADD स्कूल है, अगर ADD स्कूल है तो जो भी जिम्मेदार है, जो भी उसका देखता होगा एडमिनिस्ट्रेशन को, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप इस तरह बच्चों को हरेस करें। अब खबर तो समझिए कि मासूमों के साथ इस ज्यादती के पीछे की मंशा आखिर है क्या? आखिर स्कूल इतने मनमानी क्यों कर रहे हैं? तो दिल्ली में स्कूल्स की मनमानी पर कोई अंकुश नहीं है। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल भी निजी स्कूलों की तरह गैर जिम्मेदार हैं। और आज भी नरेला के स्कूल में मिड डे मील में छिपकली गिरने से 20 बच्चों की तबीयत अचानक खराब हो गई और केजरीवाल सरकार की स्कूलों की मनमानी रोकने में नाकाम हमेशा की तरह साबित होती रही। स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जंग में अभिभावक अकेले पड़ गए हैं।